आज हम देख लेते हैं स्पाइन कार्ड इंट्रोडक्शन ग्रे मैटर व्हाइट मैटर ट्रैक्स स्पाइन कार्ड के ट्रैक्स देखेंगे असेंडिंग ट्रैक डिसेंडिंग ट्रैक और अपलाइड फिजियोलॉजी देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन सिचुएशन एंड एक्सटेंड स्पाइनल कार्ड जो लाई कर रहा होता है लूजली लोस्टली बोल कनाल और ये एक्सटेंड हो रहा होता है फ्रॉम द फेराम मैग्नम से वेर इट इज कंटिन्यूस विद द मेडुला मेडिलेटा अबव और अब आप टू तो दी लोअर वॉर्ड्रा फर्स्ट नंबर वर्डीब्रा ब्लॉक ठीक है नंबर वटीब्रा फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा से नीचे तक होता है और फॉरमल मैगनम से लेकर फॉरमेल मैगनम में मेडल ऑफ लिंग्रेस से कंटिन्यू करता है ऊपर से और नीचे फर्स्ट नंबर वटीब्रा तक के नीचे तक इसकी कवरिंग क्या होती है हमारे पास जो स्पाइनल कार्ड को जो कवर करिए तो उसको कहते हैं मैनेजीजी से नीचे होती हैं और मैनेजीज आदमे फॉरमेटर आर्गनाइज मैटर होती हैं तीन होती हैं दीज कविंग जो है कंटिन्यूस एज अ कवरिंग ऑफ ब्रेन कंटिन्यूशन होती है ब्रेन की कवरिंग की और ये यह आर रिस्पांसिबल होती हैं फॉर प्रोडक्शन इन द न्यूरिशमेंट ऑफ द जो नर्वस टिश्यू उनकी के लिए देन हमारे पास स्पेस एंड लेंथ स्पेस जो है हमारे पास स्पाइनल कार्ड जो है इज सिलेंडरिकल शेप होता है और लेंथ ऑफ द स्पाइनल कार्ड जो है वो फोर्टी फोर्टी फाइव सेंटीमीटर है इन मेल और फीमेल में फोर्टी थ्री सेंटीमीटर है यानी कि दो सेंटीमीटर ज्यादा होता है मेल का ठीक है देना हमारे पास इन्ार्जमेंट क्या है इन्लार्जमेंट्स स्पाइनल कार्ड हैज अ टू स्पिंडल शेप नेम द सर्वाइकल एंड नंबर लार्जमेंट दिस टू पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड इनर्वेटेड अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी रिस्पेक्टिवली ठीक है कॉनस मेडिलयरसम जो है ब्लो द लम्बर्स लंबर लार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड नैरोइंग एट रेपली नैरोग कहता है टर्मिनेशन हो है इसको हम कहते हैं कॉनस मेडिलस और सिलेंडर सिलेंडर नॉन नर्वस फ्लैमेंट कार वो एक्सीडेंट हो रहा था होता से और डोनवर्ट जाता है टू द टू द फंडर्स ऑफ द ड्यूरल सैक एट द लेवल ऑफ सेकंड वर्टी ब्राक ठीक है इसलिए कहते हैं इसको फ्लैम टर्मिनाइल देन हमारे पास सेगमेंट स्पाइन कार्ड जो है मैडम ऑफ थर्टी वन सेगमेंट से मिलकर बना होता है जो हम अभी देखते हैं कौन कौन से सेगमेंट हैं इनफैक्ट स्पाइनल कार्ड इज ए कंटिन्यू सॉरी स्पाइनल कार्ड जो है कंटिन्यूसली कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है अपियर ऑफ द एपियरेंस ऑफ द सेगमेंट इज बाई दी क्योंकि हमें हो रही होती है फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड इसलिए हम और जिनको कहते हैं स्पाइनल नर्व इसलिए हम उनको सेगमेंट कहते हैं uh, और यहाँ पे हमारे पास जो सेवम सेगमेंट है हम वो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास जो फाइव सेगमेंट है स्पाइनल के स्पाइनल सेगमेंट जो है फाइव है या स्पाइनल नर्व जो है सर्वाइकल सेगमेंट या सर्वाइकल नव स्पाइनल नर्व जो है वो एट होती हैं थ्रेसिक सेगमेंट में ट्वेल्व नव राइज हो रही होती हैं लंबर सेगमेंट में जो है फाइव सेकल में फाइव और ऑक्सीजल सेगमेंट और ऑक्सीजल जो नर्वन और टोटल हमारे पास कितने बनते थर्टी वन देन है हमारे पास स्पाइनल नर्व स्पाइनल नर्व जो सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड कोरोस्पॉन्डिंग टू दर्टी वन पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व जो हमने अभी अभीटिकल मैनर में हमने अभी देखा इन बॉक्स में हमारे पास नर्व रूट नर्व रूट क्या है स्पाइनल नर्व फॉर्म हो रही होती है बाय द एंटीरियर एंटीरियर यानी कि वेंट्रल रूट रूट और एक फार्म कर रही होती है फॉर्म हो रही होती है पोस्टीरियर या डॉर्सल रूट से ठीक है एक होती है हमारे पास एंटीरियर या वेंट्रल और दूसरी होती है पोस्टीरियर या डॉर्सल ठीक है बोथ रूट है ऑन दी आइदर साइड ऑन द आइदर साइड दोनों साइड से ये निकल होती है एंटीरियर और वेंट्रल एंटीरियर और पोस्टीरियर निकल होती है डारसल वेंट्रल निकल होती है ये लीव कर रही होती है स्पाइनल कार्ड और पास थ्रो दॉस्पॉडिंग इंटरवर्टिवल फैनमाना जो पास हो रही होती है हैडिंग इंटरवर्टिब्रल फेनोमेना से और द फर्स्ट वर्टिबल स्पाइनल नर्व जो है वो पास हो रही होती है थ्रू द फोरामेन बिटवीन द ऑक्सीबन बोन से और फर्स्ट फॉरवर्ड ब्राड की होली होती है जिसको कहते हैं एटलेस और सर्वाइकल और रोड जो थे शार्ट और वेर नंबर और जो रूट हैं वो लार्ज लॉन्ग होती हैं ठीक है और लांग नर्व जो है डिसेंड हो रही होती है फार्मा तो से जो बंडल ऑफ द रूट है वो सोन होती है फैलम टर्मिनल से जो कर रहा होता है ऑफ हार्स पे और इसीलिए उसको कहते हैं ठीक है देन है हमारे पास फिशर इंड सोक इंटीरियर फिर फेशर एंड सेल्का ऑन द इंटीरियर सफिस ऑफ द स्पाइनल कार्ड ठीक है इंटीरियर सॉफिस में जब देखते हो देर इज अ डीप फॉर फॉर नोन एज इंटीरियर मीडियम फ्रेशर होता है वहाँ पे और डीप डिपेंड डेप्थ ऑफ दिस फेजर अब थ्री एम एम होता है इसकी डेप्थ होती है लेटर टू द मार्जिन ऑफ द फिर ऑन द अदर साइड देर इज अ स्लाइट डिप्रेशन हो रही होती है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर लेटर सेलकल इट इज रोनेटेट द एक्सिट ऑफ इंटीरियर नर्व रूट की एक्जिस्टेंस यहाँ से एक्जिस्ट हो रही होती है इंटर नर्व रूट ऑन द पोस्टर एस्पेक्ट में हमारे पास एक डिप्रेशन होता है जिसको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियम फेशर ठीक है दिस सेल्कस इज अ कंटिन्यूशन विदीन पोस्ट्रिय मीडियम ये एक्सटेंड हो रहा होता है इनसाइड साइड द स्पाइनल कार्ड और ये फाइव एम mm जो है वो इसकी जो डेप्थ होता है हो रीच हो रहा होता है ग्रे मेटर तक ऑन दी अदर साइड जो है ऑन दी अदर साइड लेटल और पोस्टीरियर मीडियम लेटल विद पोस्टेरियर मीडियम फिशर हमारे पास पोस्टियर इंटरमीडियर इंटरमीडियट सर्कस होता है जो कंटिन्यू हो रहा होता है विद द पोस्टीरियर इंटरमीडियट सेप्टम से ठीक है जो एक्सटेंड होता फ्राम थ्री एम एम टू टू द स्पाइनल कार्ड से तक होता है और लेटर टू द जो पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेल्कस में द पोस्टीरियर लेटरल सल्कस होता है और जिसको हम कहते हैं एंट्री ऑफ द पोस्टीरियर नर्व रूट यानी कि पोस्टीरियर लेटरल फिशर जो होता है उसमें क्या होता है पोस्टीरियर नर्व रूट की एंट्री हो रही होती है और जो इंटीरियर लेटरल होता है वहाँ पर एग्जिट हो रहा होता है इंटीरियन रोड ठीक है यहाँ पे आपको वैसे नज़र आ आई सारी सरताए कह रहा है अच्छा देन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ये हम पहले देखते सबसे पहले हम इसकी इमेज देख लेते हैं ये हमारे पास पोस्टीरियर मीडियल सेल का है ये ठीक है थेके? और इसके साथ ही हमारे पास है पोस्टीरियर पोस्टीरियर वाइट हेस्टफ्लाई और पोस्टीरियर मीडियम सेप्टम ये पोस्टीरियर मीडियम सेप्टम है जिसने क्या किया पोस्टर मीडियल का फॉर्म हो रहा होता है यहाँ पे और इसके साथ ही होती है पोस्टीरियर इंटरमीडियट ये वाली ठीक है और उसकी जो साथ है पोस्टीरियर लेटरल सेल का ये वाला ठीक है और जब हम इंटीरियर देखते हैं तो एंटीरियर मीडियन फिशर ठीक है और जहां पे एंटीरियर लेटर है ये लेटर व्हाइट है पोस्टीरियर ग्रे कमीशन एंटीरियर ग्रे कमीशन ये पोस्टीरियर है ये इंटीरियर ग्रे कमीशन है ये इंटीरियर वाइट कमीशन है और इंटीरियर व्हाइट फेसिक्लाई ये हम इसके सर्कल का इन ल कार्ड हमने देखे अच्छा देन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कार्ड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द द स्पाइनल कार्ड इज डिडेड इनटू इनर ग्रे मेटर एंड आउटर व्हाइट मेटर जो ग्रे मेटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड है ऑफ द स्पाइनल कार्ड इज द कलेक्श नफ सल बारी होती है उसमें डेंड इन दर्ट ऑफ एग्जाम ठीक है वि क्या होता है सलबाडी डेंडाइड ए पार्ट ऑफ एग्जाम इट इज प्लेस सेंट्रली इन दाम ऑफ विंग ऑफ बटरफ्लाई बरफ्लाई की विंग की तरफ होते हैं और इट इज प्लेस एंट्ररी इन दाम जो फार्म है फोर एग्जाम्पल कर रहा होता है लेटर एच की तरफ एग्जेक्टली इन द सेंटर ऑफ दफ द ग्रे मेटर एक कैनल होती है जिसको कहते हैं स्पाइनल कैनल एंड आर्सल पोर्शन ऑफ द इच लेटर ऑफ द ग्रे मैटर इस कल्ड वेंट्रल यानी इंटीरियर इन द डार हाँ रिस्पेक्टिवली हम कहेंगे ठीक है इन uh, हरिजन जो ग्रे मैटर है फॉर्म हो रहा होता है स्मॉल प्रोजेक्शन बिटवीन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हान इन दल थ्रेसिक एंड फर्स्ट रूल नंबर सेगमेंट में उसको कहते हैं लेटरल ग्रे हान को पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर इंटीरियर टू द सेंटर सल का इस द इंटीरियर ग्रे कमीशन कहेंगे जो इंटीरियर ऑफ द सेंटर होगा तो इंटीरियर ग्रे कमीशन कहेंगे पस्र दा ग्रे ग्रे मैटर जो उसको कहेंगे पोस्टर ग्रे कमिशन ये हमारे पास जो है, है। इसमें आप देख लो एक ये हमारे पास पोस्टीरियर ग्रह हान और ये इंटीरियर ग्रहण है ठीक है पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर ग्रहान और इंटीरियर साइड पे इंटीरियर ग्रहण और यहाँ पे हमारे पास जो है लेटरल ग्रहान एक यानी हार हुए हैं यहाँ पे थ्री और ये हमारे पास जो है इंटीरियर पार्ट ऑफ द कैनाल से इंटीरियर वाला पार्ट जो कहेगा इंटीरियर ग्रेक मिशन और इससे पोस्टीरियर वाला पार्ट कहेगी पोस्टीरियर ग्रे कमीशन ठीक है अच्छा इसके साथ हमारे पास जो है न्यूक्लियस इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड न्यूकलाइज सॉरी न्यूरॉन इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड न्यूरॉन कौन सी होती है द ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे पास इसमें कितनी टाइप्स होती के दो टाइप्स की मल्टीपोलर न्यूरॉन होती हैं गॉलजी टाइप वन न्यूरान गलजी टाइप वन न्यूरॉन इनकी लॉन्ग एग्जाम होती है और यूजफली फोन इन द इंटीरियरियर हान में पाई जाती है ये और ये एग्जान ऑफ नर्व फॉर्म कर रही होती है लॉन्ग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कार्ड ठीक है ये लॉन्ग एग्ज़ होती है इनकी और ये क्या कर रही होती है रही होती है लॉन्ग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कार्ड फॉर्म कर रही होती है गॉलजी टाइप वन और जो गॉल्जी टाइप टू होती हैं वो हमारे पास शॉर्ट एग्जाम होते हैं इनके और ये फोन होती है इन हांस में और एग्जाम जो है ये पास टूअर तो द इंटीरियर ऑफ द सेम साइड आर द अपोजिट साइड अच्छा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूरॉन इन द ग्रे मैटर में किस तरीके से होती है इनकी न्यूरॉन्स की इनमें डिस्क्राइब टू मेथड में हम क्या कर रहे थे इनको दो मैटर में तकसीम कर रहे होते हैं एक न्यूक्ई आधा कलम की तरह या फिर और आर लेयर की सूरत में भी हम कर रहे होते हैं जब हम निकलाई के हिसाब से करते हैं तो क्या है न्यूक्लाई के लिए जब हम कर रहे होते हैं कि से करते हैं तो क्लस्टर ऑफ़ द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लाय द सेल कॉलम इन द ग्रे मैटर अगर हैं तो उसकी में um, एडवांटेज ऑफ दिस मेथड दैट दैट डिफरेंट निक्लई आर इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं और डिसएडवांटेज ये है कि द सेम न्यूरॉन लाइक द इंटर न्यूरल जो न्यूरॉन है जो विच आर आउटसाइड द डिस्टिंग न्यूक्लाई जो है आर नॉट इन्क्लूडिंग नहीं हो सकती इसमें ना तो हमारे पास निकलाइन द पोस्ट ग्रहान कौन कौन से हैं पश्चिम ग्रहान कंटेन द निक्लाई ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन की इसमें निकलाए होते हैं जो रिसीव कर रहे होते हैं इंपल्स फ्राम द वेरियस रिसेप्टर ऑफ द बॉडी थ्रू द पोस्टीरियर नव रूट फाइबर से रिसीव रहे होते हैं और ये इसके हमारे पास फोर टाइप ऑफ न्यूक्लाई होते हैं ऑफ सेंसरी न्यूरॉन के सबसे है मार्जिनल न्यूक्लाई मार्जिनल न्यूक्लिस मार्जिनल न्यक्लिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस मार्जिनल जोन न्यूक्लियस आता बॉर्डर न्यूक्लियस ठीक है ये भी कहते हैं इसको और ये और ये कवर कर रहा होता है कवर कवर द वेरी टिप ऑफ द पोस्टीरियर ग्रेहान एंड इट इज़ फाउंड इन आल लेवल ऑफ द स्पाइनल कार्ड स्पाइनल कार्ड के आल लेवल में पाया जाता है और सबस्टेंशियल जिलिटोनोजा ऑफ रोलैंडो ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ऑफ रोलैंडो है ये कप लाइक जेलिटिनियस मैट जो मटेरियल होता है एट द एपेक्स ऑफ पोस्टियोहान के एपेक्स पे होता है जिस स्ट्रेट ये आर लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में सिचुएटेड होता है ये फॉर्म होता है स्मॉल न्यूरॉन न्यूरॉन से आ, चीफ सेंसरी न्यूक्लियस आर द पोपोलियर ये चीफ सेंचुरी निकलेस है इन द पोस्टीरियर के हान हॉन्न में द होता सबसे इट इज़ ये पोर्ली डिफाइंड सेल कॉलम जो है लोकलाइज होता है इन आल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की पोरली लोकलाइज होता है ये स्पाइनल कॉर्ड में और हमारे पास डार्सल कॉलम ऑफ क्लैक क्लैक न्यूक्लियस इज आल्सो द क्लैक कॉलम ऑफ द सेल और ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड न्यूरॉन्स की और ये एक कर रहा होता है बिजल पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर हॉन्स को और दिस न्यूक्लियस सिर्फ इसके नुकलाये फाउंड हो रहे होते हैं बिटवीन सी एट और एल वन में सिर्फ ठीक है सी एट और एल एल थ्री सोरी एल थ्री में मैं फोर नोडे होते हैं अच्छा ये हमारे पास पोस्टीरियर हॉन्स ग्रे हॉन्स के न्यूक्लियस फोर न्यूक्लियस इन्हें बताए थे जब हम जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से न्यूक्लियस है ये ये हमारे पास जो है पोस्टियर हॉन के कितने हैं फोर हैं पहला हमारे पास है मार्जिनल न्यूक्लाय देन है सबस्ट्रेंशन जिनोजा ऑफ द रोनाल्डो देन है हमारे पास चीफ सेंसरी न्यूक्य और देन क्लैक ये हमारे पास जो है फोर हैं किसके पोस्टीरियर हॉन् के न्यूक्लाय देन हमारे पास लेटरल ग्रेहान के निकला है लेटर ग्रिहान हैज द क्लस्टर ऑफ नूरान क्लस्टर ऑफ़ नूरान होते हैं इसमें और द नूरान ऑफ दिस गिव न्यूक्लियसराइज सिंपैथेटिक गेंग्लियन फाइबर सिंपैथेटिक गेंगलियन फाइबर जो है वो दे रहे होते हैं ये विच लीव द स्पाइनल कार्ड थ्रू द इंटीरियर रूट और इंटरमीडियट न्यूक्स न्यूक्लियस एक्सटेंड बिटवीन टी ट्वेल्थ वन से एल टू सेगमेंट ऑफ द स्पैन कार्ड से ये एक्सटेंड हो रहे होते हैं ठीक है और ये हम देख लेते हैं यहाँ पे ये हमारे पास इंटरमीडियट है सॉरी so, ये इंटरमीडियट लेर ऑफ इंटर इंटरमीडियट लेटर न्यूक्लियस ये वाला ठीक है uh, देन है हमारे पास निकलाया होता है एंटीरियर ग्रेहान ग्रेहान एंटीरियर ग्रेहान के निकलाए कौन से एंटीरियर ग्रेहान कंसिस्ट ऑफ द आफ ऑफ द लोअर लिम लोअर सॉरी लोअर मोटर न्यूरॉन के इसमें होते हैं निकलाए होते हैं जो इन्वाल्व करो विच आवल्ड इन मोटर फंक्शन जो मोटर फंक्शन में इन्वॉल्व इन्वाल्व होते हैं दीज आर प्रेजेंट आलमोस्ट आल लेवल ऑफ द पैन कार्ड में प्रेजेंट होते हैं थ्री टाइप ऑफ मोटर न्यूरान मोटर न्यूक्लियस जो है इसमें न्यूरान प्रेजेंट होती हैं इन द लोअर मोटर नूरान पर एल्फा मोटर न्यूरान गेमा मोटर न्यूरान सा एल्फामोटर नूरान्फा न्यूरान द लार्ज मल्टीपोलर सेल्स होते हैं एग्जाम ऑफ दीज नूरान लीव कर होते हैं स्पाइनल कार्ड को थ्रू द एंटीरियर रूट से एंड द और एंड हो रहे होते हैं इन दी ग्रुप ऑफ स्कैटेड मसल फाइबर एक् 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 एस्ट्राफ्यूगल फाइबर पर एल्फामीटर एक्स्ट्रा फूल फाइबर पे एंड एंड uh, हो रहे होते हैं और जो हमारे पास जो है गेमामोर नूरान है वो आर द स्मायल्स सेल्स स्कैटर्ड अमंग द अल्फा एल्फामोटर नूरान के साथ स्कैटर्ड होते हैं और दीज न्यूरान एसेंट कार होते हैं uh, ascend, uh, ascend कर रहे होते हैं एग्जाम uh, को इंटरफ्यूगल फाइबर ऑफ द मसल स्पैंडल में देन सेल्स ये जिस सेल जो है इसमाल शेप होते हैं होते हैं रेंशुआ सेल्स जो है इनहबिट्री न्यूरॉन्स हैं ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल रहे होते हैं इसमेथेटिक इनोवेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड में ठीक है अब हम देख लेते हैं इसकी इमेज ये हमारे पास है रेंशुआ सेल्स ये हमारे पास है अल्फा मोटर न्यूरॉन और ये घुमा गेमा मोटर न्यूरॉन रिप्रेजेंट किया है ये हमारे पास जो है वो एंटीरियर जो हाथ्स के निकलाए हैं देन है हमारे पास लेमिनाई अगर लेमनाई से हम इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं ग्रे मैटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेमिनाय में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है दीज स आर्किटेक्चरल लेमिनेशन जो है आइडेंटिफाई की थी नाइनटीन फिफ्टी में भैरन ब्यूरो नेक्स ने उसने क्लासफाइट किया था टेन लेमिना बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द सेक्शन ऑफ द ब्रेन ब्रेन ऑन द न्यू नेटल कैट में और लेमना इज आल्सो कॉल्ड द रेक्सट रेमना भी कहते हैं इसको एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द ऑल न्यूरॉन जो है ऑफ द ग्रेन ग्रे हॉर्न्स की आर इंक्लूडेड है और डिसएडवांटेज इसका क्या है डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश द लेमना फ्रॉम द ब्रेन एक लेमना को दूसरी लेमना में डिफरेंट करना थोड़ा मुश्किल है लेमना जो है पोस्टीरियर हॉर्न में कौन से हैं तो लेमना जो है लेमना वन टू वन टू सिक्स कंस्टिट्यूएंट द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स में होता है ये सॉरी दिस लेमना जो है वो कंटेन कर रहा होता है सेंसरी न्यूरॉन के और विच इज कंसंट्रेट विच कंसर्न विद जाते हैं न्यूक्लाई प्रेजेंट इन द लेमना ऑफ द पोस्टर ग्रह हान में और मार्जिनल न्यूक्लाई जो है वो ग्रे लेमना वन में होता है सबस्टेंशल जिलनोजा जो है लेमना वन एंड टू में होता है चीफ सेंसरी न्यूक्लाई जो होता है हमारे पास थ्री फोर और फाइव में होता है डॉसल न्यूक्लाई ऑफ द क्लाइव जो है वो सिक्स लेमना mm -hmm. में होता है इसके साथ जो है लेमना इन द लेटर और लेटर और जेंटल में कौन सा होता है लेटर और जेंटल हान का वन लेमना इन द लेमना लेमना सिक्स ये कंटेन और कर रहा होता है इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट लेटर न्यूक्लाई को कंटेन कर रहा होता है हाँ देन हमारे पास लेमना ऑफ एंटीरियर ग्रहान में जो है वो कौन है एंटीरियर ग्रहान में एट और नाइन कर रहे होते हैं ग्रे एंटी ग्रहान फॉर्म कर रहे होते हैं लेमना था था मोटर मोटर न्यूरॉन के कर रहे होते हैं इसमें विच आर मोटर फंक्शन के लिए कंसिडर हैं उनको और जो न्यूरॉन प्रेजेंट होती है एंटीरियर ग्रहान में वो देखो मोटर इंटर न्यूरॉन न्यूरॉन जो होती है वो लेमना और विच कॉल्ड इंटर लेमना एट में होता है और मोटर न्यूरॉन जो होती है वो पे होती है लेमना नाइन होते हैं दैन हमारे पास लेमना कैनाल में वन लेमनाटर कनाल सेंटर सेंटर ऑफ द स्पाइन कार्ड लेमना एक्स इज न्यूरोग्लिया विच फॉर्म द स्पॉटिंग टिश्यूज ठीक है ये हम देख लेते हैं लेमनाज स्पाइनल कार्ड में यहाँ पे आप देख लेते हो लेमना वन जो है उसमें जो है मार्जिनल न्यूक्लियस होता मौजूद होता है लेमना टू जो होता है उसमें हमारे पास सब स्टैंडा होता है और चीफ सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं इसमें देन लेमना फोर जो होता है उसमें हमारे पास जो है जो है फोर क्लैक न्यूक्लियस होता है और ये आप देख लो जो है लेमना सिक्स ये वो, ये हमारे पास छः न्यूक्लियस जो है एंटीरियर हॉल में है ये हमारे पास लैटरली लेटर, जो है हमारे पास लेटर हॉल में एक लेमना है और हमारे पास जो है एंटीरियर हॉल में जो है वो हमारे पास जो है दो लेमना है एट और नाइन और जो सेंटर है उसमें लेमना एक्स है सिर्फ ठीक है जो हमने अभी देखी

वाइट कॉलम कालम प्रेजेंट होता है बिटवीन द इटीरियर नर्व रूट एंड द इंटीरियर ग्रे हान वन साइड एंड द पोस्टीरियर नर्व रूट एंड द पोस्टीरियर ग्रे हान ऑफ द अदर साइड पे और इसको कहते हैं फेनिकलस और पोस्टीरियर डार्सल पोस्टीरियर डार्सल वाइट कॉलम जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर डार्सल वाइट कॉलम इज सिचुएटेड बिटवीन द पोस्टीरियर नर्व रूट एंड द पोस्टीरियर ग्रे ऑन दिस वन साइड एंड द पोस्टीरियर मीडियम सेप्टम ऑन अदर साइड और इसको कहते हैं इसको हम पोस्टीरियर डार्सल फेनिकलस भी कहते हैं मेटर जो है वो थ्री में डिवाइड हो रहा होता हो रहा था पहला हमारे पास जो है पोस्टीरियर वाइट फेनिकुलस अब देख लो ये वाला दिन है हमारे पास लेटर वाइट फेनिकुलस जो लेटर साइड पे है ये वाला सारा दिन है एंटीरियर वाइट फेनिकुलस ये वाला ठीक है एंटीरियर वाइट फेनिकुलस जो है वह इंटीरियर जो है साइड पर है पोस्टियर जो है पोस्टियर साइड पर व्हाइट फेनिकल पोस्ट साइड मेंटर वाइट फेनिकुलस ये